हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न फिफ्थ चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्या होता है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस में से एक दो सब्सटेंसेस सेपरेट करना मतलब बहुत सारे सब्सटेंसेस एक बॉक्स में पड़ा है उनको अलग अलग करना है ओके okay? हम पहले पढ़ चुके थे ग्रुपिंग ऑफ सब्सटेंसेस इसी तरह सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन सॉलिड लिक्विड फॉर्म्स में देखेंगे let's move into the chapter we all have seen our parents and grandparents separating small stones or pebbles from the rice grains pulses filtering tea leaves before serving tea and a lot more the practice of separation of substances is usually required to remove or separate the required substances from the mixtures दादी माँ क्या करते हैं राइस में दाल में से पेबल्स या स्टोन्स होगा तो एंड हस्क होगा तो चिलका ग्रेन की चिलका होगा तो उनको भी निकाल देते हैं अनदर एग्जाम्पल टी बनाते हैं टी बनाने के वक्त चाय की पाउडर होता है एट द टाइम ऑफ सर्विंग वी ऑल आर सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम द टी After that, we will drink. इस तरह सेपरेशन करते हैं और सब्सटेंड इन टू मिक्सचर एंड द्योर सब्सटी फॉर एग्जाम्पल राइस है सो भी, भी राइस so, में से पेबल्स निकालेंगे पहले था पेबल्स एंड राइस का मिक्सचर था उसके बाद पेबल्स निकाल देंगे तभी बनता है प्योर राइस दैट मीन्स सब्सटेंसेस टू पार्ट्स में क्लासिफाई होता है मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस ओके व्हाट इज मिक्सचर अ मिक्सचर इज मटेरियल मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हिच आर मिक्सड बट आर नॉट कंबाइंड केमिकली मिक्सचर्स क्या होता है दे आर मिक्सड विथ ओनली फिजिकल अपीरेंस दैट मीन्स कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा जस्ट फिजिकली मिक्स हो जाता है दाल में से स्टोन्स राइस में से स्टोन्स निकालते हैं चाय में से चाय के पत्ते निकालते हैं ओके okay? ये सारे मिक्सचर्स हैं ओके नेक्स्ट सेपरेशन व्हाट इज सेपरेशन सेपरेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वन आर मोर कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर फॉर एग्जांपल डिस्टिलेशन सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन ओके सेपरेशन क्या होता है दैट इज़ ए सेपरेटिंग ऑफ वन मोर कंपोनेंट्स फ्रॉम द मिक्सचर मिक्सचर से वन आर मोर कॉम्पोनेंट्स सेपरेट करना है दैट इज कॉल्ड सेपरेशन। सेपरेशन मेथड में हैंड पिकिंग, विनोइंग थ्रेशिंग फिल्ट्रेशन सेडमेंटेशन ये सारे आएगा अभी वन बाय वन उनके बारे में अभी पढ़ेंगे ओके फर्स्ट वन हैंड पिकिंग हैंड पिकिंग क्या होता है हैंड पिकिंग इज ए मेथड ऑफ सपरेशन यूज टू सपरेट लार्ज साइजर इंप्यूरिटीज लाइक पीसेस ऑफ दर्ट स्टोन एंड हस्क फ्रॉम व्हीट राइस और पल्सेस हैंड पिकिंग मतलब हम हाथ से वो कचरा को निकाल सकते हैं ग्रेन्स के अंदर भी खराब वाला निकालता है वो क्या करते हैं हम कचरा हाथ से निकाल के फेंक देते हैं वी कैन डू विथ हैंड दिस इज एजी मेथड दिस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग we all are using this method at home regularly next one threshing threshing is the process of beating stalks to separate the grains from the harvested crop threshing kya hota hai kheti mein dekha hoga farmer harvested crop ko bunches bunches mein pakad ke जोर जोर से मारते हैं उससे क्या होता है स्टॉक से सीड्स एंड ग्रेन्स सेपरेट हो जाता है ठीक इस दिस प्रोसेस को थ्रशिंग कहते हैं ओके इट इज डन मैन्युअली बाय फार्मर्स आर बाय थ्रशिंग मशीन्स पहले फार्मर्स बहुत करते थे आजकल ये मेथड के लिए मशीन्स यूज कर रहे हैं ओके नेक्स्ट विनोइंग विनोइंग क्या होता है मेथड ऑफ सेपरेशन यूज टू सेपरेट हेवियर एंड लाइटर कॉम्पोनेट्स ऑफ यर मिक्सचर बाई विंड आर बाई ब्लोइंग एयर नॉर्मली दिस इज़ यूज टू सेपरेट हस्क फ्राम ग्रेन्स फॉर्मर्स यूज करते हैं ये मेथड को ग्रेन्स से बहुत हल्का वाला लाइटर वेस्ट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए विनोइंग मेथड यूज करते हैं बाय द हेल्प ऑफ विंड हार्वेस्टिंग टाइम में पहले थ्रशिंग करते हैं थ्रशिंग करने के बाद फार्मर्स खेती में हार्वेस्ट करते हैं तभी क्या होता है स्टॉक्स निकाल के बंचेस में पकड़ के थ्रशिंग करते हैं थ्रशिंग के बाद सारे ग्रेन्स नीचे आ जाते हैं निकल के फिर ग्रेन्स को विनोइंग करते हैं तभी क्या होता है हल्का वाला लाइटर कंपोनेंट्स वो सब हवा से उड़ जाता है सेपरेट हो जाता है तभी ग्रेन्स एक जगह पे आ जाता है हस्क एंड लाइटर स्टिक्स वो सब सेपरेट हो जाता है विंडोइंग के लिए बहुत विंड फ्लो चाहिए अगर नहीं होगा तो आजकल बड़े बड़े फैंस यूज़ करके ये मेथड फॉलो कर रहे हैं ओके नेक्स्ट वन सीविंग सीविंग इज ए मेथड ऑफ सेपरेशन इन विच द मिक्सचर इज पास थ्रू ए फिल्टर और ए सीव द लार्जर पार्टिकल्स यूजअल्ली द इम्प्यूरिटीज डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर एंड हैंन सी finer पार्टिकल्स फ्लो पास द सी एंड कैन बी कलेक्टेड बिलो सीव क्या होता है चलनी होती है उससे क्या होता है घर पे देखते हैं आटा आटा को साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं चलनी यूज करते हैं इससे क्या होता है बहुत पतला सा फ्लोर नीचे आ जाता है जो भी कचरा रह जाता है तो वो ऊपर आएगा ओके okay? इस तरह फाइन पार्टिकल्स पाउडर्ड जैसे पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए सीविंग मेथड यूज करते हैं सीविंग अलोस द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव ओके सीव्स बीइंग यूज एट कंस्ट्रक्शन साइट्स आल्सो